यहाँ पे दरगाह है, यहाँ पे पीर बाबा की। अच्छा बावे में धुंध है क्या? दाल क्यों चढ़ाई अभी इतनी रात को? अच्छा तो इनको अभी रात के तो खाया पचाया है नहीं, सुबह की लंच की पहले पड़ गए ब्लॉक के साथ। देखो उसने पेटी मार दी, अच्छी बात है। चार हो गई, चार बच्ची जितनी जल्दी जल्दी। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की दिन की शुरुआत हमारी हो रही है अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि आज हमारी इवनिंग शिफ्ट है। तो लेते हैं माता रानी का नाम, जय माता दी। और अभी हम निकल चुके हैं ऑफिस के लिए, सारा काम से हम खत्म करके। और ये देखेंगे मेरा यहाँ पे वेट कर रहे हैं, निकलते निकलते जल्दी जल्दी। ठीक है तो मिलते हैं आपको फिर रास्ते में, आगे बने रही है हमारे साथ। गुड मॉर्निंग, कैसी तबीयत? चले फिर, तबीयत खराब है, चलो फिर ठीक हो जाएगी। अभी हम पहुंचे हैं पवन आइसक्रीम। आज हमने अपना रूट थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, पहले हम सीधे डायरेक्ट जीवल जाते थे, आज हम जा रहे हैं बख्शीनगर से, क्योंकि मैंने सोचा कि बड़े दिन हो गए दीदी से नहीं मिली हूँ, तो सोचा चलो अभी है 10 मिनट तो उसे मिलते ही जाते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं पवन के पास, और इधर भी ज़्यादा ट्रैफिक ही होता है ऊपर के लिए ना, तो देखते हैं उसको भी फ़ोन कर लेती हूँ। इस समय ट्रैफिक होता ही है क्योंकि सुबह मॉर्निंग है, तो सुबह सुबह होता ही होता है। तो हम उसको भी कॉल कर लेते हैं कि आ जा बाहर, 10 मिनट मिल लेते हैं, तो फिर निकलते हैं हम अपनी है, वो अपना काम करेगी। चलो फिर, मेरा भी है उतना नहीं है, ऐसे कम कम सा। और ये रही यहाँ पे दरगाह है, यहाँ पे पीर बाबा की। आज थर्सडे तो नहीं है, आज फ्राइडे है। तो चलो फिर उसको फ़ोन करते हैं, तो मिलते हैं उससे, फिर निकलते हम आगे की तरफ। तो अभी हम पहुंचे थे तवी पुल पे, लेकिन ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, धुंध है उस साइड, बावे वाली साइड ना, ऐसे लग रहा है जैसे धुंध है। तो इधर भी खांसी है, बुरी हालत है। तो अभी हम दीदी से भी मिल के आ गए 10 मिनट में, जल्दी जल्दी में। और ये देखो ये बावे में धुंध है क्या? लड्डा मार्केट, हाँ लड्डे का माल। तो बावे में धुंध है, दिखाई नहीं दे रहा कुछ क्लियरली। तो हम भी अब 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं ऑफिस, तो फिर पहुंचते हैं, फिर लंच टाइम में मिलते हैं आप सबसे। तो तब तक इनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, होप सो। पता नहीं है, होप सो हो जाएगी, मुझे लगता है। आज रेस्ट चाहिए थी, लेकिन छुट्टी मेरी परसों से है, लेकिन मैं कर नहीं सकता आज, क्योंकि बाकी वाले स्टाफ को भी छुट्टी चाहिए होती है, वो छुट्टी पे है, बाकी सारा स्टाफ छुट्टी पे है, इसलिए। नहीं तो आज तो मेरी बिल्कुल ही हिम्मत जो है वो नहीं आ रही। चलो मिलते हैं आपको ऑफिस में, फिर वहाँ पे दिन में लंच टाइम में मिलेंगे आपको, क्योंकि तब तक तो हम बिजी होंगे काम में, तो लंच टाइम में मिलते हैं आप सबसे। सो गाइस अभी हो गया ऑफ और निकल चुके हैं घर की तरफ, लेकिन आज भी लेट हो गया हम, 9:15 हमारा ऑफ हो गया, क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा था। तो अभी निकल चुके हैं घर के लिए, तो घर में जाके बनाते हैं। अभी पता भी नहीं क्या बनाना क्या नहीं बनाना, आई हैव नो आइडिया। सुबह जो बनाई थी ना तो वो थोड़ी सी बनाई थी, तो अभी देखते हैं जीओ से सब्जी भी लेनी है, ठीक है? तो जीओ से सब्जी लेते हैं, कुछ बनाते हैं जाके, सबको दिखाते हैं क्या बनाया क्या नहीं। और चावल बनाने मैंने थोड़ी देर हो गई, मैंने चावल नहीं खाए, एक मंथ हो गया मेरी शादी को, मैंने चावल नहीं खाए हैं। तो चलो देखते क्या बनाती हूँ क्या नहीं बनाती, जो जल्दी में बन जाएगा, मतलब जल्दी में वही आधा घंटा तो लगेगा बनाने में, तो लेट्स सी। तो मिलते हैं आपको सीधे घर में जब हम पहुँचेंगे और डिनर करते समय। तो आज तो हमारा डिनर घर पे ही था, कल तो हमारा साहब बाहर, तो कल का डिनर बहुत अच्छा किया था, आज का डिनर भी अच्छा ही जाएगा, क्योंकि खुद का बनाया हुआ खाना भी बहुत अच्छा होता है, स्पेशली मेरे हाथ का खाना। तो चलो फिर मिलते हैं सीधे आपको घर पे। तो गाइस अभी बज गए 10:30 और ऑफिस से तो घर पहुंच गए थे। घर पहुंचने के बाद में मैंने गर्म पानी लिया, उससे गरारे शरारे किए थोड़े से, कि थोड़ा सा मेरा गला खुले, नमक डाल के, फिर गर्म पानी,
पिया, और थोड़ा सा तो अभी ऐसे रिलैक्स फील हो रहा है। उसके बाद अभी खाना शाना खा लिया, खाना खाने के बाद अभी सुबह के लिए मैंने कहा दाल को उबाल देते हैं, और दाल चढ़ाई थी मैंने अभी, ये हो नहीं रही है, पता नहीं कितना टाइम लगी अभी, और अभी 10:30 हो चुके हैं, और सुबह है 7 बजे ड्यूटी, और 7 बजे मतलब कि 7 बजे पंच करना है, उससे पहले पहले हमें घर से निकलना है। तो लगा ले साहब, और ये देखो ये महाराज पहले सो गए, दाल क्यों चढ़ाई अभी इतनी रात को। अच्छा तो इनको अभी रात के तो खाया पचाया है नहीं, सुबह की लंच की पहले पड़ गई। तो चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है उसको, जितना टाइम लगेगा आप वो मेरे सिर पे है। तो मैंने अब उसको इनका जितना टाइम लगी, कहते हैं कि 8 सीटियाँ लगेंगी उसको, तो अभी तो 3 ही लगी हैं, तो 8 लगते लगते टाइम लगेगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तब तक बैठ के ब्लॉग को करता हूँ एडिट, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने सोचा ब्लॉग का करते हैं एंड। यहीं पे गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। देखो उसने सीटी मार दी, अच्छी बात है, 4 हो गई हैं, 4 बची हैं, जितनी जल्दी जल्दी ख़त्म होगी। और यहाँ पे मैं हीटर लगा के बैठा हूँ, क्योंकि क्या करें ठंड इतनी है, तो एक का ध्यान रखना पड़ेगा ना अभी। तो चलो जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद करते हैं ख़त्म ब्लॉग को, करते हैं यहीं पे एंड। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, सब अगर कल मिलते हैं सुबह नए ब्लॉग के साथ।